कॉन्वर्सेशन चल रही थी गेम स्टार्ट होने से पहले कि अगर आप किसी और इवेंट में वो कॉन्वर्सेशन पे तो आएंगे, पर यहाँ पे ओएम के लिए काफी दिक्कत हो चुकी है। एसएसजी की जैसा बात कर रहे थे, यहाँ पे दो प्लेयर्स नॉकआउट कर दिए उन्होंने ओएम के। जूटे अभी भी अपर ग्राउंड पे मौजूद है और प्रोनो रखे, एंग्री यहाँ पे हल्का सा आगे पुश करते हुए, जूटे क्राउच करते हुए वहां पे एंग्री नॉकडाउन हो जाते हैं। और अभी जूटे के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट क्या इसका वो फायदा उठा पाएंगे। और यहाँ पे वाईफाई काफी ज्यादा दूर है, प्लेयर स्पॉट हो चुके हैं, दो प्लेयर्स ऑलरेडी नॉकडाउन, एसएसजी एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ चुकी है, जूसी और सिक्स लेग्स के ऊपर ये सारा मामला अब आ चुका है। एग्जैक्टली वाईफाई ने कोशिश करी डैमेज देने की, दो प्लेयर नॉकआउट करने के बाद उन्होंने तीसरे पे कोशिश करी, बट यहाँ पे एसएसजी के बीच और एंग्री को बचाना बहुत जरूरी है। एंग्री तो काफी कम एचपी में है, तो अगर यहाँ पे एसएसजी के पास स्मोक होगा तो मे बी दे विल बी यूटिलाइजिंग इट और उसके बाद रिवाइव करेंगे, बिकॉज उन्हें पता है एफपीपी ऐसी गेम है कि उनको अभी थोड़े प्लेयर्स की जरूरत पड़ने वाली है। एंग्री ने दे हैव टू कम आउट और एंग्री ने ऑलरेडी एम लगा रखा है। ओके, जैसे उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, रिची को नॉकआउट कर दिया, और टेंसा भी अगर जाते हैं तो यहाँ पे टीटी का सफर खत्म हो गया टेम्पो का, और इट वॉज अनफॉर्चुनेट। एंड व्हाट वॉज टेंसा डूइंग आखिरी में? टेंसा और एलके केटलिन मुझे समझ नहीं आया कि कर क्या रहे थे। ही वाज हाँ स्टैंडिंग स्टिल एंड ट्राइंग टू एम यहाँ पर एंग्री को, बट एंग्री ने इंस्टेंटली स्कोपिंग करा और उनको भी गेम से बाहर कर दिया। अब यहाँ पे जो अनइवन थे उनको भी, उनका भी गेम यहाँ पे खत्म हो चुका है। दो टीम पांच प्लेयर, अब एक क्लाउडन के दो प्लेयर बचे, रिहा और बीवुल्फ। वो बीवुल्फ काफी अग्रेसिव खेल रहे हैं, सिक्सलेस के एचपी काफी कम है, सिक्सलेस यहाँ पे रिवाइव अपने आपको हील अप भी कर लिया टाइम पे उन्होंने। और अगर यहाँ पे गोगा, सिक्सलेस काफी ऑड पोजीशन में थे, प्रिया ने यहाँ पे सिक्सलेस को नॉकआउट किया और इंस्टेंटली गेम से बाहर कर दिया। अब यहाँ पे बचे दो प्लेयर यहाँ पे बचे हैं यहाँ पे, और प्रिया ने यहाँ पे जूसी को भी कर दिया। अगर यहाँ पे बीवुल्फ को यहाँ पे एंग्री ने नॉकआउट किया, आखिरी बचे हैं प्रिया, क्या यहाँ पे एंग्री मार पाएंगे? इट्स अ 1v1 सिचुएशन, इट्स अ क्लोज सिचुएशन। क्या यहाँ पर गेम क्लोज आउट हो पाती है कि पहली गेम एसएससी जीती है या क्लाउडन जीती है? और इसी के साथ प्रिया यहाँ पे मार दिया और गेम वो वन जीती है स्पेस स्टेशन गेमिंग ने, एंड दे प्ले लाइक अ चैंपियन, बिकॉज आई बिलीव, बिकॉज लास्ट टाइम भी जब एक एक रिज पे पूरे माउंटेन पे हैं, एंड थर्ड जो एंगल लेके पूरी स्पॉटिंग कर रहे हैं, इन्फो बहुत जरूरी होता है यहाँ पर। और ओके, लाइक जूसी ने एक काफी अलग ही शॉट यहाँ पे लैंड कराया, उन्होंने विंडो से यहाँ पे नॉकआउट करके गेम से ज्यादा हाई लेवल पे अटैक के प्लेयर्स में देखने मिलते हैं। और यहाँ पे अभी पुश हो चुका है, यहाँ पे टीम नंबर 10 टीम नंबर 3 पे पुश कर दिया है, और ऑलरेडी और ये अपनी फैन फेवरेट टीम, थ्री टीम्स 9 प्लेयर्स, अब एस एस जी के 4 प्लेयर्स जिंदा हैं एंड दे हैव अ गुड पोजीशन। उनके पास एक अच्छा रेंज है, उनके पास स्टोन है, दे कैन यूटिलाइज इट नाइस वे। कार्नेज काफ़ी कम एचपी में, वो ब्लू जोन में धीरे धीरे क्रॉल करके पहुंचने की कोशिश करेंगे, बट येस, सिक्सलेस ने यहाँ पे वाईफाई को पिकअप किया, बीच ने यहाँ पे जूटे को, एंड सिक्सलेस यहाँ पे भाई जो एस एस जी टीम है दे आर प्रूविंग देयर अल्फानेस, बिकॉज आई नो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल पबजी मोबाइल का, बट दे आर प्रूविंग विद अ लेजिट रिजल्ट। और गेम नंबर 1 के देवर वेरी डोमिनेंट, गेम नंबर 2 के अंदर 12 गेम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दे आर प्लेइंग सो ओपन। 7 में से 4 प्लेयर इनके, जूसी ने भी कार्नेज को मारा, मैप के चारों तरफ इन्होंने यहाँ पर पूरा आतंक मचा रखा। और यहाँ पे डीएम को देखिए, स्प्रिंग को काफ़ी छुपी हुई पोजिशन में खेल रहे हो, और इट्स लाइक 4v1v1, तो मुझे नहीं लगता कि आप सेकंड गेम में चिकन डिनर को छीन पाएगा यहाँ पे टीम एसएसजी से, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। दे आर प्लेइंग सो परफेक्ट पबजी मोबाइल की यहाँ पे किसी को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, बट जल्दी से निकलना पड़ेगा, ब्लू जोन के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। जूसी को मारना जरूरी नहीं था मेरे हिसाब से, बट जैसे ही जूसी को मार नहीं पाया और पीछे से यहाँ पे थोड़ा सा कवर फायर आया एंग्री का और यहाँ पे मर गए। अब यहाँ पे एलएसके के एमवीपी बचे थे और उसको भी मार के यहाँ पे चिकन डिनर निकाल लिया टीम एसएसजी ने, एंड दिस इज द सेकंड टाइम।